I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. क्या हाल है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड यू विल बी इन बेस्ट ऑफ योर मूड। तो आज मामला कुछ इस तरह से है कि आज आपका भाई एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ ट्रेवल सीरीज, कार व्लॉग्स टाइप का सीन है। बेसिकली आपने देखा होगा पिछले कुछ व्लॉग्स भी मैंने कार व्लॉग टाइप के बनाए थे। आई एम इन टू कार्स, आई लव कार्स, ऑल टाइप ऑफ कार्स, बट पर्टिकुलरली थोड़ा ऑफ रोडिंग और SUVs वाली साइड पे मेरा टेस्ट रुझान थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी सिलसिले में मैं प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो SUVs ऑफ रोड और ट्रेवल पर्पज़ व्हीकल्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो जनरली यूज़ होते हैं, इन सब का एक लाइनअप अपने माइंड में मैंने स्केच किया। फिर मैंने सोचा कि यार इनके ऊपर डेडिकेटेड व्लॉग्स बनाऊँगा जिसमें इनको, इन सारी गाड़ियों को डिटेल में डिस्कस किया जाए। अच्छा, आज जो पहला व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैंने सोचा कि अपने घर की गाड़ी से पहले स्टार्ट करते हैं, लैंड क्रूज़र 2009 ZX1UR V8 इंजन के साथ है। दूसरा मेरे माइंड में जो लाइनअप स्केच था उसका मैंने सोचा कि यार लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ पिरामिड। एंड बाय द वे, दिस इज़ द सेम कार जो कि आपने स्कर्दू की ट्रेवल सीरीज़ में देखी थी, लेकिन उस वक्त ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट कंडीशन में थी। उसके बाद इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया 2021 वाली जो लाइट्स और ग्रिल्स हैं उसके अंदर। उसके बाद से आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ इसकी शेयर कर रहा हूँ, इस गाड़ी की काफ़ी अरसे से नहीं दिखाई। गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, उसके निशान अभी तक हैं। पहले जाके इस बीस्ट को वॉश कराते हैं और फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे ना, मैं अमूमन बात बड़ी जल्दी जल्दी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी बात ख़त्म हो सके, लेकिन आज हमने ना बात ज़रा ठहर के करनी है, आराम से करनी है, तसल्ली से और डिटेल में करनी है। वजह क्या है, क्योंकि डिस्कशन हो रही है क्रूज़र के बारे में एंड लैंड क्रूज़र्स आर माई लव, मेरा इंतहा दर्जे का इश्क है। कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसी ये स्टोरी शुरू हुई, लेकिन इश्क है तो फिर बात तो तसल्ली से होगी। अच्छा, लैंड क्रूज़र टोयोटा की ना सिर्फ एक बड़ी बाकमाल गाड़ी है बल्कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग मॉडल टोयोटा ने आज तक जितने भी मॉडल्स बनाए हैं। 1951 में ये स्टार्ट हुई थी। मैं आपको माशरत उलूम नहीं पढ़ाने लगा, लेकिन क्योंकि बात ज़रा ऐसे करनी है, ज़रा माहौल बनाना ज़रूरी है। थोड़ा सा स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। 1951 में लैंड क्रूज़र की कहानी शुरू हुई, स्टिल इन प्रोडक्शन। तब जो गाड़ी आई थी वो J20 और J30 कहलाई जाती थी, वॉज वेरी आइडेंटिकल टू जीप। और उसके बाद फिर ये 50s की कहानी है। फिर 60s में आ गई 40 सीरीज, जिसे पाकिस्तान में 40 सीरीज वाली गाड़ियाँ आज भी बहुत ज़्यादा रोड पर पॉपुलर है और लोग उन्हें जानते हैं। BJ40 FJ40, BJ जो थी वॉज डीजल वेरियंट, FJ जो था वो पेट्रोल वेरियंट था। उसके बाद आई 60 सीरीज़। 60 सीरीज़ के बाद आई फिर 80 सीरीज़ की गाड़ी, 90s में वो लॉन्च हुई। 70 सीरीज़ जो लैंड क्रूज़र है वो इनके दरमियान का मॉडल नहीं है, बेसिकली वो लैंड क्रूज़र की एक अलग से ब्रांच है। लैंड क्रूज़र कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। एक तो ये रेगुलर फुल साइज जो लैंड क्रूज़र होती है, फिर इससे छोटी होती है लैंड क्रूज़र प्राडो, वो भी उसी दौरानिए के दरमियान मुतारिफ़ कराई गई और 80s में इंट्रोड्यूस कराई गई थी 70 सीरीज लैंड क्रूज़र, विच इज़ स्टिल इन प्रोडक्शन, वेरी सक्सेसफुल। उसके बारे में अलग से एक टॉपिक है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। 80 सीरीज़ फिर कंटिन्यू हुई है 97 तक 98 से लेके फिर 2007 तक आई है 100 सीरीज़। 2007 से लेकर 2022 तक जो गाड़ी आई है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। और उसके बाद लेटेस्ट है 300 सीरीज़। 20 और 30 जो थी J20 30, वो तो हो गई म्यूजियम मॉडल, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक जितनी लैंड क्रूज़र्स आई हैं दे स्टिल ऑन रोड। 40 सीरीज़ हो गई, 50 तो मैं आपको बताना भूल ही गया, पहले 60 से पहले 50 का मॉडल भी इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि फुल 5 डोर गाड़ी थी
लॉन्ग स्टेशन वैगन की शेप में, और 40 जो थी वो छोटी शेप में होती थी। 50 मैंने बाय द वे सवात में 2-3 दफ़ा देखी है, वैसे मुझे उसके अलावा पाकिस्तान में और कहीं पर नज़र नहीं आई। तो ये सारी गाड़ियाँ आज भी फुल कैपेसिटी में, ऑपरेशनल कंडीशन में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में गाड़ियाँ नज़र आती हैं, देखी जाती हैं। वॉट मेक्स लैंड क्रूजर अ वेरी स्पेशल व्हीकल, जितने भी इसके कंपेटिटर हैं उन सब से ये किस तरह से यूनिक बनती है, मेरे ख्याल में वो ये है कि इसकी रेसिपी बहुत मज़ेदार है। इसकी रेसिपी वन ऑफ इट्स काइंड है। जो चीज़ें आपको इस गाड़ी में एक बैनर के नीचे मिल जाती हैं वो इसके किसी भी कंपेटिटर के अंदर आपको इस मकदार में नहीं मिलेंगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वेरी पावरफुल, वेरी कैपेबल मशीन, उसके साथ आपको लग्जरी का टच मिल जाता है, उसके साथ आपको रिलायबिलिटी का टच मिल जाता है। ऑफ रोड और ऑन रोड कैपेबिलिटीज बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, एक चीज दूसरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देती। I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I'm a real one, my day one. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10, 10, 80, my save on. Take the top from the base one. New car, race on. Fast lane. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, see it's boredom. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. इसे क्रूजर को अगर हम कंपेयर करते हैं ऑफरोड गाड़ियों की लीग से, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन ऑल राउंडर कार, क्योंकि जितना बैलेंस इक्वेशन इस गाड़ी का किसी और में मुझे तो नज़र नहीं आता। कुछ गाड़ियाँ जैसे उनका लग्जरी एंड बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल रेंज रोवर बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मशीन है लेकिन लग्जरी ओरिएंटेड मशीन है, आप उसको रिलायबिलिटी में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं दे सकते। और वो पूरी दुनिया में जो उसकी रिलायबिलिटी में पिटी है वो बराबर ही है, हर जगह उसको इस चीज़ की वजह से नापसंद किया जाता है। लेकिन रेंज रोवर का जो यूज़र है वो बड़ा एक मखसूस माइंड सेट है, उसको रिलायबिलिटी का इशू नहीं होता। दे बाय जस्ट फॉर लाइक ए ब्लिंगी लग्जरी ड्राइव्स, वीकेंड पे हल्का पुल्का ऑफ रोड कभी कर लिया जरूरत पड़ी तो, नॉट लाइक एन ओवरलैंडर या टूरर की तरह वो उसको इस्तेमाल करते हैं और 2-3 साल बाद वो गाड़ी जितने की भी जाती है वो निकाल देते हैं, उसको ले ऑफ कर देते हैं। इसी तरह जर्मन एसयूवीज जितनी हैं तो वो भी ज़्यादातर लग्जरी ओरिएंटेड है सवाए मर्सिडीज जी वैगन के, क्योंकि जी वैगन का डीएनए बिल्कुल हार्ड ऑफ रोड मशीन की तरह स्टार्ट हुआ। उसके अंदर भी बेसिक वेरियंट्स भी आते हैं, मिलिट्री ग्रेड वेरियंट्स भी आते हैं और लग्जरी वेरियंट्स भी आते हैं तो, बट उसको अब हम क्रूजर से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन है और वो क्रूजर की लीग से ऊपर निकल गई हुई। प्लस उसकी रिलायबिलिटी में भी ये डाउन साइड है कि उसके पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, मैकेनिक्स पूरी दुनिया में उसको बेसिक गाड़ी नहीं समझते। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ लग्जरी व्हीकल जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड आपको टेक्नीशियन चाहिए होता है। फिर हमारे पास एट द एंड कंपैरिजन रह जाता है जैपनीज एसयूवीज का, जो कि बहुत हद तक क्रूजर के क्लोज कंपेटिटर्स हैं, रिलायबल भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीगेट मार्क्स निकालें तो वो क्रूजर से पीछे हैं। जैसे निसान पेट्रोल, निसान पेट्रोल इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मशीन, बहुत ज्यादा टफ है। दुनिया में ये समझा जाता है कि निसान पेट्रोल के फ्रेम्स जो है ना वो हमेशा से क्रूजर से ज़्यादा मजबूत रहे हैं, इसीलिए मिडल ईस्ट में उसको बहुत ज़्यादा सुपर और मॉडिफाई करने का भी कल्चर है, क्योंकि जब हॉर्स पावर पावर गाड़ी की इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो आपको नीचे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए कि गाड़ी नीचे से टूटे ना और वो वजन उठाए। प्लस ड्यून बैशिंग में, जंपिंग में वो गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन निसान के सबसे पहली बात, डीजल इंजन कभी भी कामयाब अच्छे नहीं रहे एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। तो टोयोटा का डीजल इंजन निसान से बेहतर है, निसान का इनलाइन 6 इंजन अच्छी परफॉर्मेंस वाला है। ओवरऑल ओवरलैंडर्स और ऑफरोडर्स ने जो Y61 की रेटिंग दुनिया में की है वो Y62 की रेटिंग नहीं हो सकी। सो Y61 इज क्लोज टू क्रूजर इन रिलायबिलिटी, टफनेस में शायद उससे आगे है, बट उसके सारे वेरिएंट्स कामयाब नहीं है।
मित्सुबिशी की गाड़ियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उनकी राइड हमेशा से बहुत स्मूथ रही है, लेकिन मित्सुबिशी कभी भी अच्छे इंजन नहीं बना सका, उसकी वजह से उनकी गाड़ी भी रिलायबिलिटी में पीछे रह जाती है। तो कुछ गाड़ियां जो है वो क्रूजर से थोड़ा वर्स परफॉर्म कर रही है, कुछ गाड़ियां क्रूजर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उस परफॉर्मेंस की एक ट्रेड ऑफ है, रिलायबिलिटी का इशू बहुत ज्यादा आता है। तो क्रूजर ने रिलायबिलिटी में सारे कंपेटिटर जिनका मैंने जिक्र किया इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ फिर आपको परफॉर्मेंस भी दे देती है। क्रूजर नो मैटर 80 सीरीज है, 100 सीरीज है, 200 सीरीज है, हर सीरीज के अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशंस है जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लग्जरी, कंफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी कम्स इन पैकेज। आजकल की एज में जो आम गाड़ी बनाई जा रही है तो मैन्युफैक्चरर उसके पार्ट्स की एज को 10 साल एज्यूम करता है, वेयर एज क्रूजर के अंदर जो पार्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं कंपनी उसको एज्यूम करके बना रही है कि एटलीस्ट 25 ईयर्स इनकी लास्टिंग हो। फिर ऑलराउंडर होने की वजह से क्रूजर जो है वो पूरी दुनिया में इक्वली रिलायबल है कि यार अगर आप ये बैज ले लेते हो और जिसके पार्ट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बताई जाती है कि यार 25 साल तक भी वो परफॉर्म करेंगे, तो वो सही कहते हैं ना कि टोयोटाज दे डोंट डाई। एक बंदा लेता है वो गाड़ी 5 साल यूज करता है, वो 5 साल के बाद बेच देता है, दूसरा बंदा उसको 10 साल उसके ऊपर टूरिंग करता है, उसको बेचने के बाद 15 साल बाद उस गाड़ी को दोबारा कोई बंदा तीसरा रीबिल्ड करता है, दुनिया का चक्कर लगाने निकल जाता है। सो मल्टी टेरेन ऑल टेरेन का असल परफॉर्मेंस किंग जो है वो क्रूजर है, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में अफ्रीका हो गया, सेंट्रल यूरोप में थोड़ी सी कम पॉपुलर है क्रूजर, लेकिन रशिया वाली साइड पे ईस्ट यूरोप में बहुत पॉपुलर है, साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, एशिया में बहुत पॉपुलर है। तो ये इसने कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिधर परफॉर्म ना किया हो। वेयर एज मैंने जितने कंपेटिटर्स का नाम लिया है आप उनकी रीजनल परफॉर्मेंस और पॉपुलरिटी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो हम आज इस गाड़ी को जो पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं ये 200 है, 200 सीरीज लॉन्च हुई थी 2007 में। 2007 और 2008 में इसका जो वेरिएंट आया था उसमें ZX नहीं होता था, सिर्फ AXG था। AXG केम विद 4.7 लीटर इंजन जिसे 2UZ बोलते थे, वो भी V8 इंजन था, और वो उससे पहले वाली जो 100 सीरीज आ रही थी उसमें भी विद दिस आई थिंक विद डिफरेंट ट्रांसमिशन वही इंजन आ रहा था। फिर 2009 में कंपनी ने ZX वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया, और 2009 में जो गाड़ी ये वाली आई है इसमें 4.6 लीटर इंजन था और इसका इंजन UZ से चेंज करके 1UR आ गई, 30-40 हॉर्स पावर इंक्रीज हो गई। उसके अलावा जो ZX वेरिएंट है इसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और मेनली जो डिफरेंस है AXG वेरिएंट से सस्पेंशन का फर्क है, इसमें हाइट कंट्रोल है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, सस्पेंशन की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसके अलावा फिर छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि कॉस्मेटिक हैं और इंफोटेनमेंट के हवाले से, जैसे ऑटो बूट हो गया, री एंटरटेनमेंट, इस तरह की। जो 2012 के बाद वाला ZX आया उसके अंदर क्रॉल कंट्रोल भी आया। AXG जो है वो बेसिक वेरिएंट है लेकिन उसके अंदर भी आपको काफी फंक्शंस मिल जाते हैं विच आर क्लोज टू ZX, लेकिन ड्राइव का फर्क सस्पेंशन की वजह से फिर भी रह जाता है। AXG में आपको सनरूफ भी मिल जाता है, लेदर सीट्स भी मिल जाती हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर के कलर्स भी ऑलमोस्ट सारे वही वाले अवेलेबल है। 200 सीरीज में पिछले क्रूजर से सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस था वो पहले तो इन्होंने जो फ्रेम है उसको चेंज किया, फ्रेम पिछली गाड़ी से बहुत ज्यादा लाइट वेट किया लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। जब मैंने जिंदगी में पहली दफा 200 सीरीज चलाई थी आज से कोई 10-12 साल पहले, तो इसको जिन भी लोगों ने चलाया ड्राइव करते हुए आपको सबसे पहले ये फील आई होगी कि यार ये गाड़ी बहुत आपको ना लाइट फील होती है और बड़ी चलाने में इट्स जस्ट लाइक सो स्मूथ एंड लाइट वेट एज कम्पेयर टू 100 सीरीज। बट इसका साइज 100 सीरीज से काफी ज्यादा बड़ा है, डायमेंशन जिसकी हर तरह से बड़ी, इसका आप डोर हैंडल से लेके पूरी गाड़ी की डायमेंशन, मेजरमेंट, इंटीरियर के रूम के विड्थ, गाड़ी की लेंथ, हर चीज आप देखें तो पिछली गाड़ी से थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई थी। तो लाइट वेट फ्रेम के साथ जो इंजन और सस्पेंशन की कॉन्फ़िगरेशन आई वो पिछली गाड़ी से परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई थी। लुक्स वाइज हर पिछले क्रूजर की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, जैसे मुझे 80 सीरीज 100 से भी ज़्यादा पसंद है, सो उसकी एक आपकी पर्सनल एसोसिएशन अपनी जगह। लेकिन क्रूजर का जब भी नया डिज़ाइन आता है उसके अंदर ये खूबी होती है कि यार ना वो अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉडर्न लग रही होती है, ना वो आउटडेटेड लग रही होती है। मेरा ख्याल है उसकी इसकी जो फीचर्स होते हैं, इसकी जो लुक है ना, उसमें ये चीज नुमाया जरूर होती है कि इसका पर्पस क्या है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली अ लग्जरी व्हीकल, तो आपको 100% वैसी लुक नहीं देती, येट इट ऑल्सो गिव्स द हिंट ऑफ पर्पस कि ये गाड़ी मल्टी टेरेन ऑफ रोड टफ गाड़ी है। इसके फीचर्स के अंदर जो टफनेस, रिजिडनेस है, वो थोड़ी सी इसकी बेसिक जो इंस्टिंक्ट है ऑफ रोड वाली, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। 300+ हॉर्स पावर के साथ गाड़ी परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। हमने पाकिस्तान के अंदर इस पर बहुत ज्यादा टूरिंग भी किया है, खंजराब भी किया है, चित्राल की है, मिनिमर्ग की सीरीज आपने देखी थी, इसको रोड्स पे भी ड्राइव किया है, गांव वगैरह भी अक्सर जाते हैं। तो ये नहीं किया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड ऑफ रोड नहीं किया, ऑब्वियसली वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाकिस्तान में जहां दुनिया इस गाड़ी को
टू द लिमिट्स लेके जाती है और अंडरस्टैंड करती है कि व्हाट इज द रियल सोल ऑफ लैंड क्रूजर. अनजस्टिफाइड प्राइस की वजह से, हैवी टैक्सेस की वजह से इसकी जो प्राइस रेंज है, जैसे 200 सीरीज का निशान आपको 1,30,00,000 से मिलना शुरू होता है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 5 crores. इतनी हैवी प्राइस रेंज के बाद आप इस गाड़ी को मल्टी पर्पज यूज तो करते हैं जैसे हम भी करते हैं, लेकिन आप इसको लिमिट्स तक पुश नहीं करते. अब जाके हमारे मुल्क में जैसे हमने 100 सीरीज को कन्वर्ट करना शुरू किया है ओवरलैंडिंग एक्सपेडिशन व्हीकल्स के अंदर. दुनिया क्या करती है, इधर से क्रूजर नया आया, 200 आया, 300 आया, कन्वर्ट किया, चीजें लगाई, सस्पेंशन डाली, उस पर्पज के लिए निकल पड़े जिस पर्पज के लिए आई है गाड़ी. हमारे पास आते साथ ही गाड़ी एक्सपेंसिव ही इतनी होती है, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो पीछे रह जाती है, वो एक स्टेटस सिंबल बन के रह जाती है. जैसे मेजोरिटी ऑफ लैंड क्रूजर्स रोमिंग अराउंड इन आवर सिटीज आर जस्ट लिमिटेड. बहुत से ज्यादातर लोगों को तो इस गाड़ी की, मैं कहता हूँ, ना मतलब पता है ना कैपेबिलिटी पता है, शायद कभी यूज भी ना की हो. दे ओन द व्हीकल, दे ड्राइव द व्हीकल, नेवर लीव द सिटी. मतलब लैंड क्रूजर का मतलब क्या, जिसने लैंड पे चढ़ के क्रूजिंग ही नहीं की हुई. एंड आई हेट इट व्हेन पीपल कॉल दिस कार V8. यार V8 क्या है, इतना खूबसूरत नाम है इस गाड़ी का, लैंड क्रूजर. V8 तो वो 100 सीरीज में भी था, V8 तो और भी 10,000 गाड़ियां दुनिया में. इट्स वेरी ऑकवर्ड नेम, कैन बी कॉल्ड V8, बट इसका नाम बहुत खूबसूरत है. जैसे मुझे तो बड़ा बाअदब और खूबसूरत तरीके से मोहब्बत से इसका नाम लेने का शौक है, लैंड क्रूजर. इससे ज्यादा खूबसूरत नाम मेरा नहीं ख्याल कि किसी जीप का हो सकता है. पेट्रोल का नाम प्यारा है, रेंज रोवर का नाम प्यारा है, बट लैंड क्रूजर, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन यू इमेजिन एंड देन यू से इट विद द फीलिंग लैंड क्रूजर, सही फील आती है. प्राइस रेंज की वजह से इस गाड़ी का जो सही ओरिजिनल पर्पस है ना, वो इस मुल्क में पूरा नहीं हो पाता है. हालांकि इतनी कैपेबल मशीन, मतलब एक्सेलरेशन वाइज भी गाड़ी बहुत अच्छी है, इतने बड़े हुजम के साथ अराउंड 9 सेकंड 0-100 कर लेती है. ऑफ रोड के अंदर हर टेरेन के ऊपर किसी जगह पे भी आपको किसी पॉइंट पे ये फील नहीं आएगा कि इसमें टॉर्क की कमी है. मैंने ये गाड़ी डेजर्ट में भी चलाई है, ऑफ रोड में भी चलाई है, रोड्स पे भी चलाई है, कच्चे ट्रैक्स पे भी चलाई है. किसी भी जगह पे गाड़ी आपको ये इंडिकेट ही नहीं होने देती कि आपके नीचे पावर खत्म होने वाली है. जैपनीज होने की वजह से इसका मीटर भी 180 का आता है, लेकिन स्टॉक गाड़ी 190 तक परफॉर्म करती है, उसके बाद वो लॉक लग जाता है. जिन मुल्कों में ये लॉक नहीं है तो यही 4.6 लीटर वाला इंजन जाके परफॉर्मेंस दे रहा है 230-240 की स्पीड तक. नॉर्थ अमेरिका में और मिडल ईस्टर्न मार्केट में ये गाड़ी 5.7 इंजन के साथ भी आती है, जो 3UR है, लेक्सस वाला इंजन. अच्छा, अगर हम डाउन साइड की भी कोई बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो डाउन साइड माइंड में आती है वो इस गाड़ी का कसूर नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा हो गया हुआ है, इकोनॉमी है. कंपनी ने जिस स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस वाली मशीन बनाई, आई थिंक उसके हिसाब से 7 kilometers प्लस की एवरेज कंपनी क्लेम करती है. मैंने इसे 7+ की एवरेज अचीव की है हमेशा हाईवे पे. शहर में 5-6 से ज़्यादा एवरेज कभी अचीव नहीं की, वो भी बड़े हल्के पैर से. अगर आप इसको दबा के चलाते हो तो 3-4 kilometers 3 kilometers की एवरेज फिर आती है. तो अब जब फ्यूल प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं, हमारा मिनिमम के ट्रिप पे इस गाड़ी में 70,000-80,000 का पेट्रोल लगा था. अगर उस ट्रिप की अब हम कैलकुलेशन करें तो ये जाके 2.25 lakh rupees के करीब बनता है. Unless you are willing to spend a lot, it's very unpractical कि इस गाड़ी के ऊपर अब आप टूरिंग किया करो. टूरिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होती है. एक एक ट्रिप का राउंड बहुत लंबा पड़ता है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो कॉस्ट जो है वो लाखों में आती है. फॉर डैट पर्पज आई थिंक इन प्राइसेज के साथ इस वक्त इस गाड़ी के ऊपर ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिन्होंने चलानी है वो चलाते हैं. अब जैसे ये गाड़ी मेरे चाचू की है, वो इसको पर्सनली डेली ड्रिवन हर रोज चलाते हैं. उन्होंने कहीं भी जाना है तो वो यही गाड़ी यूज करते हैं. वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कमा के लिया है, मैं नहीं कर सकता. मैंने भी जितना सा इसके ऊपर राउंड लगाया है तो 5,000-6,000 का पेट्रोल आपसे बातें करते करते गाड़ी इजी कर गई. तो अगर हम इस गाड़ी को इकोनॉमी के लिहाज से सोचें ना कि यार किसकी कोई इकोनॉमी आपको सूटेबल हो, बिल्कुल भी नहीं है. इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑयल चेंज सर्विस वगैरह तकरीबन 30,000-32,000 में जाके कॉस्ट करते हैं, विच इज़ ड्यू आफ्टर 7,000-8,000 kilometers. कंपनी रिकमेंड्स आफ्टर 10,000 kilometers, लेकिन 7,000-9,000 अपनी बंदे की वो है कि कब भी आप करवाना चाहो. बजट पे ये गाड़ी बिल्कुल भी हल्की नहीं है. उसके अलावा इस गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ड्राइविंग प्लेयर एब्सोल्यूट है. गाड़ी की देखें सस्पेंशन और पावर, ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी अगर डिलीवरी दे रही होती है ना, तो ड्राइवर को बहुत मज़ा आता है. वेदर यू आर ड्राइविंग इन द सिटी, यू आर ड्राइविंग आउट ऑफ सिटी, हाईवे पे हो, कहीं पे भी हो. बात मज़े की ये है कि यार कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं दे परफॉर्म वेरी वेल ऑन रोड, एंड कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं दे परफॉर्म वेरी वेल ऑफ रोड.
क्रूजर के अंदर ये है कि इट नेवर डिसअपॉइंट्स यू वेदर यू आर ऑन एनी ट्रेन. आप किसी भी ट्रेन पे चले जाएंगे ना तो क्रूजर आपको कहेगी कि मैं आपको एक्स्ट्रा माइल जाके दिखाऊंगी. दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस कार. अच्छा, AX, AXG और ZX के अंदर जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला जो मेरे माइंड में आता है, प्राइस डिफरेंस भी इन दोनों गाड़ियों में ठीक ठाक होता है और ड्राइव डिफरेंस सबसे ज़्यादा सस्पेंशन की वजह से होता है. अगर आपके पास ZX नहीं है लेकिन आप थोड़े से पैसे खर्च सकते हैं तो आप AXG के अंदर मेरा मशवरा है किंग के शॉक्स लगा लें. अब किंग के ऑफ रोड शॉक्स जो हैं वो गाड़ी को थोड़ा सा प्रो ऑफ रोडर की तरफ ले जाते हैं जो कि आपको ऑन रोड ऑफ रोड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है. उनका थोड़ा सा खर्चा होता है, पहले वो 6-7 लाख रुपए में इंस्टॉल हो जाते थे, अब डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा चला गया तो मुझे एग्जैक्ट उसकी प्राइस नहीं पता, लेकिन इससे आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लें. उन शॉक्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, प्राइस होल्ड करते ही है और वो शॉक हमेशा रीफिल होके रीबिल्ड हो जाता है. अगर आप AX में वो शॉक्स लगाते हैं, एक तो यह है कि आपकी ZX से भी एक पॉइंट आप कह लें कि आप प्रो चले जाते हैं. एयरमेटिक सस्पेंशन जैसा आपको मजा आएगा, ऑन रोड ऑफ रोड गाड़ी की टफनेस की सलाहियत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर अगर आप वो गाड़ी बेचते हैं, आपने उसके ऊपर 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आप बेचते हुए ये कर सकते हैं कि आप वो किंग के शॉक्स निकाल के रख लें. अगर आप वो उसको उसी कंडीशन में बेचना चाहें, वो बिक भी जाते हैं, दोबारा किसी और गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना चाहें तो कर भी लें, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और वो भी आपका एक अलग से एसेट बन जाता है. वो ऐसा नहीं है कि आप 6-7 लाख रुपया खर्च देंगे और कल को वो टका टोकरी है या 1.5-2 लाख का बिकेगा. तो वो AXG के अंदर कंफर्ट देने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ क्योंकि ZX में अगर आपने किंग के शॉक्स इंस्टॉल करने हैं, अच्छी सस्पेंशन लगानी है, तो आपको इसकी एयरमेटिक सस्पेंशन हाइट कंट्रोल निकालना पड़ता है. उस प्रो ऑफ रोड सस्पेंशन के बाद हाइट कंट्रोल वाला काम चक्कर चलेगा ही नहीं. तो अगर आप गाड़ी इस नीयत से ले रहे हैं कि आप ज़रा एक्स्ट्रा माइल जाके प्रो ऑफ रोडिंग करें, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप ZX ले ही ना बल्कि AXG के साथ ये वाला फार्मूला लगा लें. सो नो डाउटेडली लैंड क्रूजर इज द किंग ऑफ ऑल टेरेन SUV व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस गाड़ी ने जो दुनिया की हिस्ट्री में कमाल किए हैं उसकी एग्जांपल हमें किसी और गाड़ी में नहीं मिलती. दुनिया के हर रीजन में हर कंडीशंस में इसने इक्वली परफॉर्म किया. देखिए, हम ऑलराउंडर गाड़ी को इतने ज्यादा मार्क्स इसलिए देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी विदाउट ब्रेन इज ऑफ नो यूज. जैसे कोई खूबसूरत खातून हो लेकिन दिमाग से पैदल हो तो आपकी कशिश उसमें खत्म हो जाती है. इसी तरह जब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स की बात आती है, जब तक हमें तमाम चीजें एक बैनर के अंदर नहीं मिलती ना, तो आप उस गाड़ी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकते. लैंड क्रूजर का कमाल ही है कि वो सारे फैक्टर्स पैरेलल आपको एक ही टाइम पर डिलीवर करता है. आपकी लग्जरी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हुए बगैर ऑन रोड ऑफ रोड आपको परफॉर्मेंस इसने दुनिया में हर जगह दिया है. ऑस्ट्रेलिया हो, कैनिंगस्टॉक रूट हो, सिम्पसन डेजर्ट हो, कलाहारी डेजर्ट, सहारा, आर्कटिक, कहीं पे भी आप बात करो यार, ये वो टफ टेरेन्स है जहाँ पे आप लैंड रोवर जैसी गाड़ी पे भी जाओ ना तो टेरेन कहती है कि चल किसे वड्डे नू पेच. एंड व्हेन यू डू दीज टेरेन्स ऑन लैंड क्रूजर, तो क्रूजर आपको वो परफॉर्मेंस देती है जिसके बाद गाड़ी कहती है होर कोई हुक्म साडे लाइक. ऑस्ट्रेलिया की जब नई नई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो वहां पे एक कंस्ट्रक्शन साइट थी डैम की, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल और हार्ड टेरेन थी. उस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए 13 लैंड क्रूजर्स इंपोर्ट की गई और उन्होंने वो इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म किए जो किसी और गाड़ी से नहीं किए जा पा रहे थे. उन 13 गाड़ियों की मोबिलिटी से इतने वंडर्स हुए कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर ये लैंड क्रूजर ना होती तो ये डैम ही ना बन पाता. लिहाजा इसलिए मैं इतना ज्यादा कायल हूँ कि लैंड क्रूजर का जो अपना ब्रांड और उसकी लॉयल्टी पूरी दुनिया में है ना, वो इज्जत इसने किसी वजह से कमाई है. ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ी मजेदार सेइंग है, इफ यू वांट टू गो इन वुड्स टेक लैंड रोवर, बट इफ यू वांट टू कम बैक होम टेक लैंड क्रूजर. सो दिस इज जस्ट टू इंडिकेट द फैक्टर कि यार ये गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे 200 सीरीज हो, 100 हो, 80 हो. इनके अपने गिवन टाइम के ऊपर, अपने जमाने के अंदर इन्होंने हमेशा दूसरी गाड़ियों और कंपेटिटर से एक माइल आगे जाके परफॉर्म किया है. लैंड क्रूजर की जो तीसरी ब्रांच है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे 70 सीरीज, उसके अंदर एक गाड़ी आती है 78 सीरीज जिसे ट्रूप कैरियर बोलते हैं. उसके सामने 2 डोर्स होते हैं, पीछे एक वो वैगन की तरह लंबी होती है, डोर्स दोनों साइड पे नहीं होते, पीछे डोर होता है. ट्रूप कैरियर का मतलब कि एक फौजी दस्ता वो गाड़ी अंदर ले जाती है, 12 सीटर होती है, लेकिन दुनिया की वो वाहिद ऐसी गाड़ी है जिसने 20-25 बंदे बैठा के अफ्रीका के जंगलों में, अमेजोन में, पूरी दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया है. यही रीजन है UN में भी आपको नजर आएगी कि UN के पास सबसे ज्यादा जो गाड़ी है वो लैंड क्रूजर, और लैंड क्रूजर का काफी सालों तक सबसे बड़ा बायर भी UN रहता था. टोयोटा का जब ये कंसर्न आया कि वो ट्रूप कैरियर की प्रोडक्शन शायद बंद कर दे, तो NGOs ने हाथ जोड़ लिया अफ्रीका में कि भाई दुनिया में कोई और गाड़ी नहीं है जो 25 बंदे बैठा के ऐसे ऐसे काम कर जाती है. हमारे पास इस रिलायबिलिटी का व्हीकल सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. दिस कार इज द मैनकाइंड सेवियर.
ऐसे टाइटल किस गाड़ी के लिए आए हैं? मैं इस गाड़ी के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ और शायद मैं तारीफें ज्यादा कर रहा हूँ, मे बी आई एम बाइस्ड, क्योंकि मेरी एक सालों की इसके साथ अफेक्शन है। आज से 20 साल पहले मेरे वाले साहब ने पहली दफा लैंड क्रूजर खरीदी थी। वो लैंड क्रूजर वो थी जिसका हम क्राउन वाली वीडियो में भी डिस्कशन कर रहे थे, 96 मॉडल एल पैक। उस कलर की और उस स्पेक्स की उस टाइम पे वो लाहौर में एक ही गाड़ी थी। जिस दिन फाइनली वो गाड़ी आनी थी, हम लोग टेरेस पे खड़े थे, हम बच्चे, और पता था कि बाबा गाड़ी लेके आ रहे हैं। मेन रोड से जब हमारी स्ट्रीट में टर्न करते थे तो हमारा घर बिल्कुल हेड ऑन था। अफ्तारी के करीब का टाइम था। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। जैसे ही वो गाड़ी स्ट्रीट के अंदर टर्न हुई है, और एक एक सिंगल सेकेंड मुझे आज याद है कि वो किस तरह से वो गाड़ी टर्न हुई है और चलते हुए गेट की तरफ आ रही है, मेरी जिंदगी में इससे बड़ा DDLJ मोमेंट ना था ना है, मुझे नहीं लगता हो सकता है। कि यार मेरा इश्क उस दिन ना किसी और ही लेवल पे चला गया था। एंड फॉर इयर्स जब मैं सोचता था ना कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या था, तो मुझे वो लम्हा याद आता था। लेकिन मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूं, दुनियावी चीजों में, इमोशंस में और अपने मामलात में, रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं है। ये दुनियावी चीजों में मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट वो थी। आज जब उसके बाद फिर जो भी गाड़ी ली, काफी दफा जिंदगी में बहुत सी मोमेंट्स आए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो खैर, आज आपके साथ डिस्कशन करने का मकसद ये था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई अफेक्शन विद लैंड क्रूजर्स, ट्राई टू एक्सप्लेन थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और आई डोंट नो, मैंने बस रेंडमली आपके साथ डिस्कशन कर ली। पर्पज़ ये था, आज हमने पर्टिकुलरली 200 सीरीज़ को डिस्कस किया। पाकिस्तान के हिसाब से मैं इस गाड़ी के बारे में ये समझता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर हाई एंड पे जाके SUV उठाएं आप, तो इससे बेहतर ना कोई ऑप्शन है और ना ही कोई गाड़ी इससे अच्छा पर्पस सर्व करती है। इंशाल्लाह इस डिस्कशन की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे बाकी SUVs और ऑफ रोडर गाड़ियों के साथ। मेरी कोशिश है कि मेरी जो पर्सनल फेवरेट गाड़ियां हैं वो भी आपके साथ, जीप्स जो है वो शेयर करूँ। उसके अलावा जो मेरे दोस्त वगैरह, हमारे ऑफ रोड जो क्लब्स हैं, जो भी ज़्यादातर लोगों ने अच्छी गाड़ियाँ ओवरलैंडर्स की तरह पाकिस्तान में बड़े बड़े, यार मैं आपको क्या बताऊं कि स्पाई के ट्रेवलर्स हैं और ओवरलैंडिंग की एस्थेटिक सेंस रखने वाले बड़े कमाल लोग हैं। हम तो चलो फिर कंटेंट थोड़ा बहुत बना रहे होते हैं, अभी हमें दुनिया में इतना शायद पता भी नहीं है, लेकिन मैं तारीफ़ करता हूं अपने काफ़ी अच्छे दोस्तों की, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब फ़र्क है कि वो कॉन्टेंट नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने कैंपिंग, आउटडोर्स सामान, ओवरलैंडिंग की किट्स, गाड़ियाँ बहुत अच्छी पंप की हुई हैं। और इस सीरीज़ को मेरा स्टार्ट करने का मकसद भी ये था कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्टफ, और उसको वैसे डेली रूटीन व्लॉग्स में, ट्रेवल व्लॉग्स में इतना डिस्कस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस सीरीज़ के हवाले से हम अच्छा खासा नॉलेज एक्सचेंज भी कर लिया करेंगे, कुछ आप हमसे सीख लें, कुछ हम आपसे सीख लें, वरना ये असी ताडे हो जाइए, तुसी साडे हो जाओ। आई ऑलवेज वेलकम पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत अच्छी बात है, उसे कबूल करें। और नॉलेज देखें ऐसी चीज़ है, उसका कोई एंड नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में भी हो। The more you know, you come to know you don't know. That is same thing about cars. The more you know, आपको लगता है अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आप भी इसमें अपना ओपिनियन ऐड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।